हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। 25 वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, वीडियोज़ को सर्च ना करना पड़े। सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 7 में क्लिक कीजिएगा ना, तो इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसे सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर देखो बोला क्या जा रहा है कि यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए एम क्यू, यानी आपको ये शो करना है कि ये जो ए एम पी ट्रायंगल है और इधर ए एम क्यू जो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सटे हुए हैं दोनों आपस में, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर अगर हम दोनों को रखें तो दोनों एक दूसरे को एकदम फुली कवर कर लेंगे, एकदम एक बराबर हैं दोनों। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन द फॉलोइंग प्रूफ, यहाँ पर जो हमको प्रूफ दिए गए हैं, सप्लाई द मिसिंग रीजन, यानी कि जो हमको रीजन्स है ना वो बताना है। जैसे देखो सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमको क्या बोला गया, पहला तो कि PM और QM ये दोनों साइड्स जो आपस में क्या है, इक्वल है। PM कौन सा, ये साइड, और ये QM ये वाला साइड, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि ये हमको दिया गया है, दिया गया इसमें क्या बोलते हैं, गिवन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो कि ये हमें गिवन है। ठीक है, PM इक्वल टू QM, ये यहीं पर हमको गिवन है। देखो ना दोनों में डबल डबल इस तरीके से एंगल बना, साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब समझ जाओ कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद हमको क्या बोला जा रहा है कि जो अगला एंगल बन रहा है, ये जो है ना इस तरीके से साइन, ये एंगल का साइन होता है, तो एंगल PMA, तो PMA यानी कौन सा होगा, PMA, इसका मतलब ये जो M में एंगल बन रहा है, बीच वाला जो लेटर होता है ना वहीं पर एंगल बनता है। तो PMA जो एंगल है और QMA जो एंगल है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल जो आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या हमको यहाँ पर दिया गया, इस तरीके से डबल एंगल की साइन बनी हुई है, यानी कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसको भी आप क्या कर दो, गिवन, कि यानी कि ये भी जो है ना हमको यहाँ पर दिया गया है। थर्ड हमको क्या बोला जा रहा है कि AM और AM, अब देखो इधर वाले ट्रायंगल में भी अगर हम लोग देखें तो एक AM साइड है, और इधर वाले भी ट्रायंगल में देखें तो ये जो है AM साइड है, और दोनों क्या है आपस में कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है AM, और इस वाले कॉमन का मतलब होता है दोनों में एक ही साइड है ना, और वो साइड जो है ना वो दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। तो ये जो AM है ना दोनों में इक्वल है और दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉमन लिख दोगे। अब ये देखो जब तीन चीज़ हमारे आपस में मिल गया, एक तो हमको साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और फिर से एक साइड मिल गया, तो इसको हम लोग कौन सा हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए चार तरीके से होते हैं, चार तरीके से अगर कोई भी ट्रायंगल में चार चीज़ें आपस में मिल रही है ना तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो उसमें से हमने ये वाला जो क्राइटेरिया यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि SAS के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंस है, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हमको बोला भी गया है कि ट्रायंगल जो AMP है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AMQ के, और ये किस अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे SAS, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल और ये जो साइड है ये तीन चीज़ कॉमन है ना, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, यहाँ पर आप क्राइटेरियन शॉर्ट में लिख दो तो भी चलेगा। तो इस तरीके से SAS क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। बस यही यहाँ पर करना था और कुछ करना ही नहीं है। आई होप आपको एकदम सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया होगा। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ही था इसलिए मैंने सिंपल मेथड में समझाया, बाकी आपको अगर और डिटेल में समझना है तो इंट्रोस वगैरह वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एकदम समझाया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर जो आगे के जो क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से समझा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।